वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 3 और 4 क्वेश्चन देखने वाला। अब बाकी का ये आपको बताएंगे, तो उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छे से देखते चलो। और अगर आपके इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी अच्छे से देख लो और समझ लो, वो अगर देख लिए होंगे तो उम्मीद है कि जरूर आप इसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, और नहीं तो हम बता ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट, पता करना है हमें कोस ए का और टेन ए का, दिया हुआ है इतना और हमें कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए का। इसमें देखो एंगल सब सेम है, पिछले वाले वीडियो में किसी में एंगल चेंज था, तो इसमें एंगल साइन ए है, यहाँ भी कोस ए, यहाँ भी टेन ए है। आप एग्जाम में बनाना तो एंगल देख लेना कि एंगल सेम है या डिफरेंट है, ठीक है, वो देख लेना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो कि हम फॉर्मूला इधर लिख चुके हैं। तो कोस ए का आपको तो याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, कोस का होता है बी बाय ए, जबकि साइन थीटा का होता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको देखते जाइए, साइन ए हमारा होता है पी बाय एच, जो कि पी का वैल्यू हमारा 3 है और एच का वैल्यू 4 है, और जबकि कोस में हमको चाहिए बी, तो इसी के मदद से हमें निकाल लेंगे। तो बताइए हमारा ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर बी का वैल्यू दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर बी का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 16 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर। बताओ 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 7, जबकि हमें सिर्फ बी चाहिए तो रूट 7 हो जाएगा। अब तीनों का पता चल गया, पी का, बी का और बी का, सभी का पता चल गया। तो अब बताओ बनेगा कि नहीं, उम्मीद है कि आप इसको जरूर बनाओ बनाया होगा। तो कोस ए बराबर होता है बी बाई एच, बी का वैल्यू है रूट 7 और एच का वैल्यू हो गया हमारा 4, ये आंसर, ठीक है। टेन का आपके लिए, ठीक है, अब सब हमें बता देंगे तो फिर आप किस लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक ना। तो टेन ए, टेन ए का वैल्यू छोड़ो बता ही देते हैं, टेन ए का पी बाई बी होता है, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3 और बी का वैल्यू दिया हुआ है, निकाले हैं रूट 7, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब 4 में आते हैं, 4 में आते हैं तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। दिया हुआ है गिवन 15 कोट ए, देखो इतना दिया हुआ है, तो पता करना साइन ए और सेक ए का पता करना, और इसमें इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो कोट ए है, बताओ 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन आपको बदलना, आपको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बदलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये हमें निकालना है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। अब बताओ जब तक कि तीनों का नाम पता चले, एच बी पी तीनों का नाम पता चले, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों को पता करना होगा, तो बताओ कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, और एच हमें जरूरत पड़ेगा, तो एच का वैल्यू इसमें निकालना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एच हमें तो निकालना ही है, पी का वैल्यू दिया हुआ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बता दो कितना है, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट आप रख दो, तो एच स्क्वायर 15 का 225, 8 का 64, अब इसको एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। अब ये कितना का रूट स्क्वायर है, तो ये 17 का रूट स्क्वायर है, आपको ये सब याद होना चाहिए तभी बनेगा। आपको दिक्कत होगा तो इसी में ही दिक्कत होगा, ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो यही सब में, तो इसीलिए आप इस दिक्कत को दूर ही कर लो, अच्छा रहेगा। अब आराम से निकल जाएगा, साइन का निकालना है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा पी बाई एच, जो कि पी का वैल्यू हम यहाँ 15 है और एच का वैल्यू 17 है, ये हमारा आंसर हो गया। सेक हो गया, सेक ए, तो सेक किसका उल्टा है, किसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा है, कोस का होता है बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी, तो एच का वैल्यू कितना है 17, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 8 है, ये भी आंसर हो गया। ठीक,
यहाँ पर आपके लिए होमवर्क ये है, क्योंकि आपको पता है कि बिना होमवर्क के दिन हम छोड़ते नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसमें जो हम वैल्यू निकाले हैं कोस का और टेन का, आपको क्या करना है कि और आपको निकालना है, आपको बताना है कोसेक ए का क्या होगा, और फिर बताना है सेक ए का क्या होगा, और बताना है कोट ए का क्या होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर भी आपके लिए होमवर्क है, आपको यहाँ पर बताना है कि कोसेक ए का क्या होगा, और साथ ही साथ आपको टेन ए का बताना है क्या होगा, और एक और है किसका है, तो छोड़ो तो ही बनाना, बाकी तो इतना बन जाएगा, तो मतलब कि आपको आ रहा है। ठीक है, तो हमारे वीडियो बताना कि कैसा आपको लग रहा है, जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।